दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैं आपके सामने हरियाणा की ये सभी पेपर लेकर आ चुका हूँ। अगर आपने मेरी ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप अपनी स्क्रीन के राइट साइड के टॉप कॉर्नर पर क्लिक करके इन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पटवारी का वो पेपर जो 15/4/2016 को मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ परवीन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब हिंदी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल YouTube हिंदी में और मैं परवीन। तो देखिए, ये है पटवारी का पेपर जो मॉर्निंग शिफ्ट में 15/4/2016 को हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच हरियाणा में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पानीपत में जितने भी युद्ध लड़े गए थे, मैं आपको बता दूं, पानीपत की तीन लड़ाई हुई थी। एक तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, वो 1526 में हुई थी, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। और एक पानीपत में दूसरा युद्ध हुआ था जो 1556 को हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। और इसके बाद पानीपत की तीसरी लड़ाई भी हुई थी, जिसके अंदर अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी युद्ध दिए गए हैं। तो देखिए, आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, भारत का युद्ध जो भारत चीन का युद्ध है, ये 1962 में हुआ था, और भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 और 1971 में हुआ था। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन बाकी सभी युद्धों को भी देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में दिया गया है कि हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे अधिक खेती होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि महेंद्रगढ़ के अंदर सरसों की सबसे अधिक खेती होती है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, मैं और भी जिलों के बारे में बता देता हूँ जिनके अंदर सबसे ज़्यादा खेती होती है। तो देखिए, जो गेहूं और जो कपास है, उनकी सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर सिरसा में पैदावार होती है, और जो बाजरा है इसकी सबसे ज़्यादा पैदावार भिवानी में होती है, और जो गन्ना है उसकी सबसे ज़्यादा पैदावार यमुनानगर में होती है, और जो बासमती चावल हैं इनकी सबसे ज़्यादा पैदावार करनाल में होती है। तो इनका भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। कानोड का किला किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि कानोड का किला महेंद्रगढ़ में है। ठीक है, तो देखिए इनसे रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, महेंद्रगढ़ के अंदर आप यहाँ देख सकते हैं डोसी की पहाड़ी का किला भी स्थित है, और कानोड का किला तो यहाँ पर है ही, जो बलवन ने बनवाया था। इसके अलावा माधोगढ़ का किला माधोपुर के शासक सवाई माधो सिंह के द्वारा भी निर्मित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं हिसार के अंदर गुजरी महल किला है, हिसार ए फिरोजा, और हांसी के अंदर असीगढ़ का किला है, और यहाँ पर मेवात में तावड़ू का किला है। तो इस वीडियो को आप पॉज करके इन सभी के बारे में देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ऊपर जितने भी किले हैं देखिए, तो इन सभी के बारे में भी आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच है कि हरियाणा के गठन के समय यहाँ कितने जिले थे? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि हरियाणा के गठन के समय 7 जिले थे। तो देखिए, हरियाणा के गठन के समय जो जो जिले बनाए गए थे उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार, गुड़गांव, जींद और महेंद्रगढ़, ये 7 जिले हरियाणा के गठन के समय बनाए गए थे। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर छः। बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में मुक्केबाजी में किस खिलाड़ी को कांस्य पदक मिला था? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि विजेंद्र सिंह को मिला था। देखिए, जो विजेंद्र सिंह हैं, ये हमारे हरियाणा के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं जो कि भिवानी जिले से संबंध रखते हैं, और इनकी पत्नी का नाम अर्चना सिंह है, और इन्होंने एक मूवी भी बनाई है जिसका नाम है फुगली। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सात। कोस मीनारों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि कोस मीनार का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर आठ। मोरनी की पहाड़ी किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि यह पंचकुला के अंदर स्थित है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नौ। हरियाणा के मध्य में स्थित हरदे हरियाणा कौन सा नगर है? तो देखिए दोस्तों, काफी बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद रोहतक होगा, क्योंकि रोहतक बिल्कुल बीच में स्थित है। तो ये आपका गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है वो है जींद। जींद हरियाणा का हृदय कहलाता है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऊपर यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा संवाद पत्रिका का संबंध किस विभाग से है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से है। तो देखिए दोस्तों, जो पत्र पत्रिकाएं हैं हरियाणा की प्रमुख, उनसे संबंधित जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियोज में बता रखी है। तो आप इनसे संबंधित जानकारी देखना चाहते हैं तो मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं चूना पत्थर,
कैल्साइट, तांबा और उपयुक्त सभी। तो ये सभी खनिज पदार्थ महेंद्रगढ़ के अंदर पाए जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा टी। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा जो खनिज पदार्थ हैं वो हमारे महेंद्रगढ़ में ही पाए जाते हैं। इस पर मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, आप चाहें तो मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो देखिए, पटौदी तो आरक्षित है, झज्जर भी आरक्षित है, बावल भी आरक्षित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी, नारनौल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। बुनकरों का शहर के रूप में हरियाणा का कौन सा शहर विख्यात है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि पानीपत। इसके अलावा दोस्तों, हरियाणा के अंदर पहाड़ों की रानी जो कहा जाता है वो पंचकुला को कहा जाता है। ठीक है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी बात मैं आपको बता देता हूँ। जो हिसार है, हिसार नगर की स्थापना 1354 ईस्वी में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने स्वर्ण किले के रूप में की थी। किले के चार गेट मोरी गेट, तलाकी गेट, नागौरी गेट तथा दिल्ली गेट के नाम से प्रसिद्ध है। यह नगर शेरशाह सूरी का जन्म स्थान भी माना जाता है। हिसार को फारसी भाषा के अंदर किला भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से रहा है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि ये यमुनानगर से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों, सुनील दत्त के अलावा कुछ और भी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं, उनकी लिस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो मनोज कुमार हैं वो एक अभिनय हैं और निर्देशक भी हैं। ठीक है, ये रोहतक से संबंधित हैं। और जो पूजा बत्रा हैं ये भी रोहतक से संबंधित हैं। मल्लिका शेरावत हैं वो भी रोहतक से ही संबंधित हैं। इसके अलावा देखिए, सोनू निगम जो एक गायक हैं वो हमारे हरियाणा के फरीदाबाद से संबंधित हैं। इसके अलावा देखिए, मैं नीचे दिखा देता हूँ, जो जूही चावला काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म एक्ट्रेस हैं, ये अम्बाला से संबंधित है। और जो जसविंदर हैं जो कॉमेडी करते हैं वो रोहतक से संबंधित है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी के बारे में भी देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री नहीं थे? तो देखिए, भगवत दयाल शर्मा भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राव वीरेंद्र सिंह भी रह चुके हैं, बनारसी दास गुप्त भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि जी डी तापसे मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड सभी जानकारी मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दी थी। तो अगर आप इनसे रिलेटेड जानकारी देखना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि ये झज्जर में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, इस अभयारण्य के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। जो भिंडावास पक्षी अभयारण्य है यह 1074 एकड़ में फैला हुआ है। यह अभयारण्य झज्जर नगर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसमें 250 से अधिक प्रजातियों के पक्षियों को भी देखा जा सकता है। इनमें देसी व विदेशी दोनों प्रकार के पक्षी विद्यमान होते हैं। यहाँ पर एक झील का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, तो झज्जर के अंदर इसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि ठाकुर द्वारा और संग्रहालय। ठीक है, और यहाँ ऊपर है भीमेश्वरी देवी मंदिर और बुआ का गुंबद। तो इनके बारे में भी आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। हरियाणा के फरीदाबाद जिले में बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि यमुना नदी है, जो हमारे हरियाणा के पूर्व दिशा में बहती है। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, हरियाणा में पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि है रोहतक में स्थापित हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ये हिसार में स्थित है। तो चलिए मैं आपको हरियाणा के अंदर स्थित कुछ और रिसर्च सेंटरों के बारे में भी बता देता हूँ। तो देखिए, जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है और केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान है, गेहूं अनुसंधान निदेशालय है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान है, ये सभी के सभी करनाल के अंदर स्थित है। ठीक है, और ये भैंस वाला तो हमने देख ही लिया है, ये हिसार के अंदर है, और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी करनाल के अंदर है, और राष्ट्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान यह फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, तो इनका भी आप ध्यान रखिए। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। गुरुद्वारा नीम साहिब निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है कैथल। देखिए दोस्तों, ये दो गुरुद्वारे हैं, एक तो गुरुद्वारा नीम साहिब और दूसरा है गुरुद्वारा मजनी साहिब, ये दोनों के दोनों कैथल में ही है। ठीक है,
तो इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हरियाणा के अंदर प्रमुख गुरुद्वारे हैं उनसे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, जो हरियाणा में सभी गुरुद्वारे हैं उनसे रिलेटेड वीडियो बना रखी है। आप हमारे चैनल पर जाकर उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि जींद में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के प्रमुख धार्मिक स्थलों से रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, पलवल को जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 2008 में मिला था, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बैडमिंटन से है। साइना नेहवाल हरियाणा की एक प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, चंडीगढ़ का वास्तुकार ली कार्बुजियर किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि फ्रांस। ली कार्बुजियर फ्रांस का रहने वाला था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कुछ और नगरों के वास्तुकार के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे कि जो कलकत्ता है, इसके जो वास्तुकार थे वो थे जाब चार नाक, और जो नई दिल्ली है इसके वास्तुकार थे सर एडविन लुटियंस। इसी प्रकार से फतेहपुर सिकरी है, इसके वास्तुकार थे, देखिए यहाँ पर, बहाउद्दीन, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो ताजमहल है, इसके वास्तुकार थे उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ये देखिए, ये रहा अब्दुल हमीद लाहौरी, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, यूबीएस द्वारा हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार मोबाइल बैंकिंग को सबसे अधिक अपनाने वाली जनसंख्या किस देश की है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि चीन की है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों एक पद एक साथ खाली हों तो पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, किस देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद से मूल्यह्रास भत्ते घटाकर, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ ऊपर दिया गया है, ये रहा, वास्को डिगामा ने समुद्र मार्ग की खोज की थी, तो किस देश की समुद्र मार्ग की खोज की थी? तो राइट आंसर है सी, यानी कि भारत की। इसके अलावा देखिए, अगर यहाँ पर अमेरिका की ये पूछ लेता तो अमेरिका की खोज की थी कोलंबस ने, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि मानक अर्थशास्त्र से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, प्रतिष्ठित बैंक ऑफ द ईयर 2015 यूके में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि यस बैंक को प्रदान किया गया, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो इसका तो सभी को पता है, ये 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो चलिए, हम इसके अलावा कुछ और नेशनल पार्क की लिस्ट भी देख लेते हैं। देखिए, जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, यह हमारे भारत के उत्तरांचल राज्य में स्थित है, ठीक है। और जो केवला देव घाना पक्षी विहार है, यह हमारे भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा हम नीचे देखेंगे तो यहाँ देखिए, जो नागर होला राष्ट्रीय उद्यान है, यह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो देखिए, किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, यह मणिपुर में स्थित है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी के बारे में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि बहलोत लोधी ने की थी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिकतम कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि इसे उत्पादक अतिरेक कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एशियाई सिंहों की वासस्थली है? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, जो कि हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, जो कि मैंने पीछे लिस्ट दिखाई थी आपको, उसके अंदर भी है। देखिए, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखिए, यहाँ पर ये दे रखा, गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पंचायत राज भारत में सर्वप्रथम वर्ष 1959 में लागू किया गया था, तो कहाँ पर वो लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है, वो लागू किया गया था राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर यहाँ पर ये पूछ लिया जाता कि भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था,
तो उसमें हम नाम लेते हैं सिर्फ आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषा के आधार पर गठित किया गया था, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38। यदि पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव निम्न में से कितने समय के अंदर कर देनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 6 महीने के अंदर कर देनी चाहिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि 5 जून को मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण दिवसों की लिस्ट आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस है यह 12 जनवरी को मनाया जाता है, और जो राष्ट्रीय एकता दिवस है यह 13 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, जो तंबाकू निषेध दिवस है यह 31 मई को मनाया जाता है, और सबसे ज्यादा पूछा जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस यह 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप और देख सकते हैं, जो यहाँ पर पूछा जाता है किसान दिवस यह 23 सितंबर को मनाया जाता है, और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को मनाया जाता है, और वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है, और जो झंडा दिवस है यह 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसके अलावा जो किसान दिवस है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी दिवसों के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40, वर्ष 1923 में किसने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ और महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में भी देख लेते हैं। देखिए मैं आपके लिए ये लिस्ट लेके आया हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एशियोटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना विलियम्स जोन्स ने की थी, और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र के सहयोग से, और यहाँ पे देखिए एम जी रनाडे और आत्माराम पांडुरंग देवेंद्र नाथ ठाकुर ने की थी, ठीक है। तो इसके अलावा हाँ, यहाँ पर आप नीचे भी देख सकते हैं, जो वेद समाज की स्थापना आचार्य केशव चंद्र सेन ने की थी, और बॉम्बे प्रेजिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना यहाँ पर देख सकते हैं फिरोजशाह मेहता तेलंग तथा तैयब जी ने की थी, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा और भी हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रही, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ सकते हैं, जैसे कि वेलूर मठ है, इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी, और मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी, ठीक है। और स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने की थी, ठीक है। और आजाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने की थी, ठीक है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, डिएगो आर्मांडो मैराडोना एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिसका संबंध किस खेल से है? तो ये संबंधित है ए, यानी कि ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, खेल पद बटरफ्लाई स्ट्रोक से संबंधित है, तो कौन सा खेल है जो बटरफ्लाई स्ट्रोक से संबंधित है? तो वो है डी, यानी कि तैराकी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, यानी कि कैडमियम, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन से पादप से कुनेन प्राप्त की जाती है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि सिनकोना के वृक्ष। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45, मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इनेमेल, जो दांतों को बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, मानव शरीर से संबंधित कुछ और तथ्य भी मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो फीमर होती है, जो जांग में होती है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि मानव शरीर में जो जल की मात्रा होती है वो 65 से 80% तक होती है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ब्लड बैंक कहलाता है वो पलीहा कहलाता है, जिसे स्प्लीन भी बोला जाता है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं, जो लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो आप फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 डिग्री, और सेल्सियस में 37 डिग्री, और केल्विन में देखेंगे तो 310, ठीक है। और इसके अलावा जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है वो पर मस्तिष्क होता है। तो इस वीडियो को पॉज करके आप इन सभी के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, सूखी बर्फ होती है तो सूखी बर्फ को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, एक सूची छिद्र कैमरा द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि है वास्तविक और उल्टा होता है। तो चलिए इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा, निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व तो सबसे कम है? तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि पेट्रोल का घनत्व तो सबसे कम है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 49, सीसा पेंसिल के निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है
ए यानी कि ग्रेफाइट का। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि 4 होती है। देखिए जो दो कोष्ठ होते हैं वो तो हृदय में से शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के बाकी सभी हिस्सों में पहुंचाते हैं, और जो दो और कोष्ठ होते हैं वो पूरे शरीर में से जो अशुद्ध रक्त होता है वो सभी रक्त को हमारे हृदय के अंदर शुद्ध करने के लिए लेकर आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 कोष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि ये एथेनॉल के बनाए जाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 52, पेरिस ऑफ प्लास्टर इसमें से किससे बना है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि ये जिप्सम से बना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53, अक्टूबर 2016 में कौन सा देश 8वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि इसकी मेजबानी भारत ने की है। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 54, भारत के किस राज्य में विश्व का पहला सफेद बाघ सफारी आरंभ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 55, प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैंड अप इंडिया आयोजन का शुभारंभ निम्न में से कहां पर किया था? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि नोएडा से किया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में UIDAI ने 100वां करोड़ आधार बनाकर ऐतिहासिक लैंडमार्क को छुआ है, तो पहला आधार किस वर्ष जारी किया गया था? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि सन 2010 में जारी किया गया था। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 57, ओएलएक्स का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर है एलेक एग्जेने फोर्ड। तो दोस्तों मैं आपको एलेक एग्जेने फोर्ड के बारे में बता देता हूँ। देखिए ये हैं एलेक एग्जेने फोर्ड, जो कि जिनका जन्म 1969 में अर्जेंटीना में हुआ था, और इन्होंने अपनी शिक्षा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से की थी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि है असम में स्थित है। तो देखिए मैंने इनकी लिस्ट आपको पीछे बताई दी है, तो आप उन लिस्ट में से भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यानों को याद कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, ये रहा प्रसिद्ध गान सारे जहाँ से अच्छा के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता है। तो देखिए दोस्तों इसके अलावा जो दो और गीत हैं भारत के, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, इनके जो रचयिता है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय गान गाया था रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, ठीक है, और जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इनके बारे में आप और भी जानकारी इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रीय सामुदायिक विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है सी यानी कि हैदराबाद में स्थित है। इसके बाद हम देख लेते हैं हिंदी के कुछ प्रश्न, ये देखिए हिंदी आ चुकी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है कि सज्जन का विलोम आरती शब्द क्या है? तो सज्जन का विलोम आरती होता है दुर्जन, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, निम्न पंक्तियों में रस है, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? ठीक है, तो इसके अंदर जो रस प्रयोग हुआ है वो है ए यानी कि इसमें अद्भुत रस प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63, लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, अत्यावश्यक शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो इसका सही संधि विच्छेद है ए यानी कि अति प्लस आवश्यक, ये है अत्यावश्यक। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 65, अशुद्धि वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसमें अशुद्ध जो है वो हमें बताना है। तो मनुष्य भी शुद्ध है, पोषक भी शुद्ध है और निरपेक्ष भी शुद्ध है, तो जो अशुद्ध है वो है जीर्णोद्धार, ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, इकलौता शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें इक का प्रयोग होगा यानी कि एक, तो इसमें आ जाएगा डी यानी कि इसमें दीर्घ समास है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 67, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? माला फेरत युग गया, फिरा नमन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। ठीक है, तो इसके अंदर जो अलंकार प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है सी यानी कि यमक अलंकार। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि कुचेष्टा, ये इसका राइट आंसर है। तो चलिए इसके बाद हम ऊपर चलते हैं, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 69, नायक में कौन सी संधि है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इसमें अयादि संधि है। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70, छठी का दूध याद आना इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ए यानी कि कठिनाई का अनुभव होना।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिया गया है, वी वर ब्रॉट अप इन ए विलेज एंड माई ग्रैंड फादर वॉज ए सिंपल, जो ये खालिस्तान है, यहाँ पर आएगा पेशेंट एंड क्वाइट इलिटरेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा, पेशेंट। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 72 और 73 में हमें एकदम सिमिलर शब्द बताने हैं, जो यहाँ पर 72 और 73 में वर्ड दिए गए हैं, इनसे जो मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 72 है वो है, ही रिफ्यूज्ड टू नोट डाउन टू द गवर्नमेंट्स विश्ड ऑन दिस इश्यू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि उसने सरकार को शहर में जाने से इनकार कर दिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर आएगा बी, यानी कि बी सबमिसिव, जिसका हिंदी में अर्थ होता है विनम्र होना। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पर ये लाइन दी गई है कि इट वॉज ए प्रीलियस जोनरी अक्रॉस द माउंटेन्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है, इसकी जो हिंदी होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है कि यह पहाड़ों के पार एक खतरनाक यात्रा थी। ठीक है, तो जो ये प्रीलियस दिया गया है, इसका मतलब होता है जोखिम या फिर खतरनाक। ठीक है, जो कि यहाँ इन ऑप्शनों में दिया गया है ए के अंदर, ये जो रिस्की है, रिस्की का मतलब यही होता है जोखिम या खतरनाक, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 74 और 75 में। देखिए यहाँ पर दिया गया है, 74 और 75 के अंदर हमें ओपोजिट मीनिंग बताना है, जो ये शब्द दिए गए हैं इनसे बिल्कुल विपरीत अर्थ बताना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 74 है, वी हैव मेड टेंटिव प्लान्स फॉर ए हॉलीडे। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि हमने छुट्टियों के लिए अस्थायी योजना बनाई थी। ठीक है, तो जो ये टेंटिव दिया गया है, इसका मतलब होता है जांचना, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी डिफिनिट। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित करना या स्पष्ट करना। ठीक है, उसे डेफिनेट बोलते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 75, सम डेमोक्रेटिक कंट्रीज बिलीव इन रिकॉल सजेरियन, जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है कि कुछ लोकतांत्रिक देश एक जातीय अलगाववाद में विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर ये सजेरियन दिया गया है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अलगाववाद। ठीक है, तो इसका जो विपरीत होगा वो मैं बता दूं, इसका विपरीत होगा डी, यानी कि इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकीकरण या समन्वय करना। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 77 और 76 में। क्वेश्चन नंबर 77 और 76 में हमें आइडियम्स पैराज बताने हैं, यानी कि मुहावरे बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 है, यहाँ पे दिया गया है वियर एंड टीयर, जिसका मतलब होता है टूट फूट, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, यानी कि डैमेज कैज्ड बाय कंस्टेंट यूज। ठीक है, तो इसका हिंदी बात होता है कि निरंतर उपयोग की वजह से क्षति पहुंचना। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77, नो लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि घास को किसी के पैरों के नीचे न बढ़ने दें। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी कि वेस्ट नो टाइम इन एक्शन, यानी कि कार्यवाही में कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 78 और 89 पे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि फाइंड द रोंगली स्प्लिट वर्ड, तो इसमें से गलत जो है वो हमें छांटना है। ठीक है, बाकी तीन ठीक है और एक गलत है। तो क्वेश्चन नंबर जो 78 है, इसके अंदर जो गलत वर्ड है वो मैं आपको बता दूं, वो है बी, बी इसके अंदर गलत है और बाकी तीन सही है। देखिए जो ये टेलीपैथी है, इसका मतलब होता है दूर संवेदना। ठीक है, और इसके बाद जो सी के अंदर सिंपैथी दे रखा है, इसका मतलब होता है सहानुभूति, और जो ये है एपैथी, इसका मतलब होता है उदासीनता। ठीक है, तो ये इसकी अर्थ है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं, इसके अंदर जो गलत शब्द है वो है डी, यानी कि अगेंस्ट, ये गलत है। ठीक है, तो ये बाकी तीन ठीक है, जिनका मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। जो पहला है अर्नेस्ट, इसका मतलब होता है बयाना। ठीक है, और जो बी है इनफिस्ट, इसका मतलब होता है हमला करना, और जो सी है डिटेस्ट, इसका मतलब होता है घृणा करना। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 80 है, ये दिया गया है कि चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 16 कैन बी ट्राइड ओनली बाय द डैश कोर्ट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को केवल किशोर कोर्ट के द्वारा ही सजा सुनाई जा सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, जाहिर सी बात है इसके अंदर डी आ जाएगा, जुवेनियल, जिसका मतलब होता है कि बाल अदालत। तो चलिए अब हम देख लेते हैं रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 81 में रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों से भिन्न हो। तो देखिए इसको किस प्रकार से आपको हल करना है, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे किया हुआ है। देखिए जो ये क्वेश्चन है, आपको इन चारों को इस प्रकार से लिख लेना है और देखना है कि इनके अंदर क्या
अलग से दिया गया है, ठीक है। तो तीन तो एक जैसे हैं और एक अलग है, वही हमें छांटना है। तो देखिए पहले में हम देखेंगे कि जी के बाद एच आता है और सी के बाद डी आता है, और जो ये डी है इसमें हम तीन जोड़ेंगे तो जी आ जाएगा। यही सेम इसमें किया गया है, डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, एस के बाद टी आता है, टी में तीन जोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा। लेकिन यहाँ ये अलग है, देखिए ए के बाद बी आता है ठीक है, वाई के बाद जेड आता है ये भी ठीक है, लेकिन यहाँ जेड के बाद तीन नहीं जोड़ा गया है, जेड के तुरंत बाद यहाँ पर एक दे दिया गया है, ठीक है। और बाकी जो ये चौथा है इसमें सेम यही प्रोसेस किया गया है जो इन दो में किया गया है, तो हमारा राइट आंसर ये सी हो जाएगा, बी ए जेड वाई, जो कि यहाँ पर दिया गया है सी के अंदर बी ए जेड वाई, ठीक है। तो चलिए इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से जो अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं कौन सा एक लड़की का नाम नहीं है? तो देखिए आप यहाँ बी के अंदर देखेंगे, इनको आप व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो यहाँ पे नाम बन सकता है गोपाल का, ठीक है। और सी को जब आप व्यवस्थित रूप से करेंगे तो यहाँ पर नाम बन सकता है महेश का, और डी में नाम बन सकता है विमल का, ठीक है। लेकिन ए को आप किसी प्रकार से भी व्यवस्थित कर लीजिएगा, आपको किसी प्रकार का कोई नाम नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर यही आ जाएगा ए, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। यहाँ पर देखिए दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करता है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया गया है 8, 24, 12, क्वेश्चन मार्क 18, 54। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मैं आपको बता दूँ ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। देखिए आप ये संख्या इस प्रकार से लिख लीजिए, आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्या किया गया है, 12 का 2 गुना कर दिया गया है और यहाँ पर 24 लिख दिया गया है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो 18 है इसका 2 गुना कर देंगे और 36 यहाँ पे लिख देंगे, तो हमारा राइट आंसर बी आ जाएगा 36। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्वेश्चन नंबर 84 में दिया गया कि सुमित्र उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है और कुछ देर के लिए रुकता है, वह फिर 2 किलोमीटर और चलता है। तो बताइए आरंभिक स्थान से समिंतर कितनी दूरी पर है? तो चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये दिशाएं लिख लेनी है कि कौन सी दिशा किस तरफ होती है, पूर्व इस तरफ, पश्चिम इस तरफ, उत्तर इस तरफ और दक्षिण इस तरफ। ये हमेशा इसी प्रकार से होती है, चाहे आप कोई भी प्रश्न हल करेंगे ये दिशाएं इसी प्रकार से ही रखी जाएंगी, ठीक है। तो चलिए उसके बाद हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग करना है। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि समित्र उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलकर दाएं घूमकर, तो सबसे पहले उसे उत्तर दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलाएंगे। हम मान लेंगे कि जो संघमित्र है वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और ये उत्तर दिशा की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ 4 किलोमीटर जाता है, तो 4 यहाँ पे लिख दिया और ये यहाँ पे चला गया। उसके बाद दाएं घूमकर, तो दाया इस तरफ होगा इसका क्योंकि उत्तर की तरफ मुंह है, तो सीधा वाला हाथ दाया होगा, तो वो दाया घूमकर 5 किलोमीटर जाता है, तो दाया घूमकर 5 किलोमीटर गया तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर वह दक्षिण की ओर घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, तो अब वह दक्षिण की तरफ घूमेगा, दक्षिण नीचे है तो नीचे की तरफ घूमकर 2 किलोमीटर जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देंगे, यहाँ तक चला गया। इसके बाद देखिए फिर वह पश्चिम की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, तो इसके बाद वह पश्चिम की ओर मुड़ता है, तो यहाँ से पश्चिम इस दिशा में है तो इस तरफ मुड़ जाएगा और 3 किलोमीटर यानी कि यहाँ तक जाएगा, ये मैंने जो छोटी डंडी खींची हुई है यहाँ तक चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कुछ देर के लिए रुकता है, यहाँ पर कुछ देर के लिए रुकता है और वह फिर 2 किलोमीटर और चलता है, तो यहाँ पर ये पहले 3 किलोमीटर आया था फिर 2 किलोमीटर और चला जाएगा, यहाँ पर ये 2 लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ऊपर हम देख सकते हैं ये 5 किलोमीटर पे था, तो सबसे पहले वो 3 चला फिर 2 चला यानी कि वहीं पहुँच गया जहाँ से यहाँ से ये चलना स्टार्ट हुआ था, वहीं यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। थोड़ी सी नीचे यानी कि कितना नीचे, 2 किलोमीटर नीचे, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 किलोमीटर नीचे आ गया, पहले 3 चला फिर 2 चला यानी कि 5 हो गया है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या इसने पूछा है, इसके बाद इसने पूछा है कि आरंभिक स्थान से समित्र कितनी दूरी पर है, तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर ये 2 किलोमीटर इसने गैप यहाँ पर छोड़ दिया है, ये 2 किलोमीटर सेम टू सेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 किलोमीटर था, 4 में से हम ये 2 किलोमीटर घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 किलोमीटर ही बचेगा, तो हमारा राइट आंसर बी आ जाएगा ये 2 किलोमीटर। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में देखिए क्या दिया गया है, TIME को MITE लिख दिया गया है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि MAT को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। जो TIME है, MIT है, इस प्रकार से आपको ऊपर नीचे लिख लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनके अंदर क्या अंतर है, जो ई है वो तो सेम एज इट एज रखा हुआ है, बाकी जो ये 3 है ये आपस में बदल दिए गए हैं, यानी कि टी को पीछे रख दिया गया है, आई सेम का सेम और एम आगे रख दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे,
MAT में सेम करेंगे, ऐसे लिख लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे। E को सेम टू सेम रख देंगे, T को सामने रख देंगे, A को एज इट एज रख देंगे, M को पीछे रख देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा TAME, जो कि यहाँ पर C में दिया गया, ये रहा TAME, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 86, उस विकल्प का चयन कीजिए जो अन्य तीनों में से भिन्न हो। तो देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है आप गौर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर ए के बाद फिर बी दिया गया है, ठीक है, और इसमें एक्स के बाद वाई दिया गया है, और इसमें आर के बाद एस दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें एफ के बाद ई नहीं दिया गया बल्कि ई के बाद एफ दिया गया है, इसने ये गलत कर दिया है। देखिए यहाँ पर सब सब में क्या क्या है, सेकेंड के बाद पहला है, यानी कि ए के बाद बी, फिर एक्स के बाद वाई और आर के बाद एस, और यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया है, यहाँ ई के बाद एफ इस तरफ कर दिया है, ठीक है, तो ये अलग हो गया है, तो हमारा राइट आंसर ये बी ही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, 464, फिर 232, फिर 116, फिर 58 और फिर आगे क्या है, तो हमें ये बताना है इनके अंदर क्या क्या अंतर है जो यहाँ आगे आएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हमको क्या करना है, 464 के नीचे 2 रख देना है इस प्रकार से, ठीक है, तो 2 से हम 464 काटेंगे तो 232 आ जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है, और 232 के नीचे भी 2 रख देंगे तो इसे 2 से काटेंगे तो 16 आ जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है। तो सेम प्रोसेस करेंगे, 116 के नीचे 2 रख देंगे, इसे काटेंगे तो ये 58 आ जाएगा जो यहाँ पर दिया गया है, 58 के नीचे हम 2 रख देंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 29 आ जाएगा। तो देखिए ये 29 कहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 87 में हम ऊपर जाकर देखते हैं, ये रहा बी के अंदर, ये रहा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा 29, ठीक है। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि इंग्लिश के जो शब्द होता है जैसे कि ए पहले आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, इसी प्रकार से हमें क्रम अनुसार इन्हें लगाना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, मैं आपको बता दूं कैसे करना है। आपको पहले क्या करना है, इन सभी शब्दों को ऊपर नीचे इस प्रकार से लिख लेना है, और जो जो शब्द फिलहाल मिल रहे हैं, जो इन सभी के अंदर मिल रहे हैं, उनको काटते जाना है। तो देखिए सी सी सब में है तो ये काट दिया, ओ सब में है ये काट दिया, इसके बाद एल एल है ये काट देना है, और उसके बाद फिर से एल एल है लेकिन यहाँ एक शब्द में यू है और इसमें एल है, तो ये एल जिन जिन के अंदर है शुरू के तीन में और ये पांचवे में, तो इसको काट देना है। और हमें क्या देखना है कि हमें ये देखना है कि इंग्लिश के शब्द में पहले एल आता है या यू आता है, तो जाहिर सी बात है एल पहले आता है, तो जो ये यू वाला है ये डेफिनेटली सीधी सी बात है यू आ गया तो ये पांचवें नंबर पे सबसे लास्ट में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू बाद में आता है एल पहले आते हैं, ठीक है। तो अब हम इस शब्द को हटा देंगे, इसकी गणना हमें नहीं करनी है, हमें इन चारों की गणना करनी है, तीन ये और एक ये पांचवा, ठीक है, इनकी गणना करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये एल एल हमने काट दिए, तो देखिए इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ई आई ई ये वाला तो हमने हटा ही दिया है, और ए इनमें से सबसे पहले कौन सा आता है, ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले ए आता है तो इसको हम फर्स्ट पे रख देंगे, ठीक है, ये पहला नंबर पे आ गया है। अब हमें हमारे पास ये दो तो हट गए हैं, ये पांचवें पे है ये पहले पे है, हमें हमारे पास ये तीन शब्द बचे हैं ई आई और ई, तो ई आई ई में सबसे पहले क्या आता है, ई आता है, लेकिन ई दो शब्दों में दिया गया है तो हम इसे चूज नहीं कर सकते हैं, तो ये आई वाला हट जाएगा, यहाँ पर ये आई चौथे नंबर पे चला जाएगा क्योंकि ये पहले पे है ये पांचवें पे है, तो ये चौथे पे डेफिनेटली चला जाएगा क्योंकि ये बाद में आ रहा है, इनसे पहले ई आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इन दो शब्दों में ये देखेंगे कि पहले कौन सा आ रहा है, ठीक है, तो ई से ई कट गया, फिर सी से सी कट गया, फिर टी से टी कट गया, तो ये हो जाएगा दो नंबर पे, इसके सामने आगे कोई भी अक्षर नहीं है लेकिन इसके आगे अक्षर है आई, ठीक है, आई टी के बाद आता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा दो नंबर पे और ये हो जाएगा तीन नंबर पे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे व्यवस्थित कर देंगे और हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सबसे पहले आ रहा है। देखिए आपको ये किस प्रकार से क्रमबद्ध करने हैं, जो ये फर्स्ट नंबर पे पांच आ रहा है तो आपको यहाँ पर पांच रखना है ना कि फर्स्ट रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पांच नंबर पे है। उसी प्रकार से जो ये सेकंड नंबर है ये फर्स्ट नंबर पे है तो आपको यहाँ पर सेकंड नहीं रखना है, आपको यहाँ पर फर्स्ट रखना है क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको इन सभी को रखना है, तीन की जगह पर तीन आ जाएगा और चार की जगह पर दो आ जाएगा, और जो सबसे लास्ट में पांच है इसकी जगह ये चार नंबर पे है चार आ जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 51 32 4, जो कि यहाँ पर ए के अंदर दिया गया है, ये देखिए 51 32 4, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। तो क्वेश्चन नंबर 89 में है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो तीन ऐसे शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं और एक ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है।
तो हम यहाँ पर देखेंगे, आप इनमें से ऐसा शब्द ढूंढ लीजिए आपको किस प्रकार से ढूंढना है। देखिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर देके बता देता हूँ। देखिए इसका राइट आंसर डी है, ठीक है। डी के अंदर एल यूज किया गया है, ये देखिए यहाँ पर एल है, जो कि इस शब्द में कहीं पर भी नहीं है एल, ठीक है। तो ये शब्द नहीं बन सकता है, ठीक है। बाकी ये तीन शब्द बन सकते हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 90। एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, 20 वर्ष बाद उसकी आयु अपने बेटे से केवल 2 गुनी होगी, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने किया हुआ है, देखिए आपको किस प्रकार से करना है। आपको क्या करना है, आपको पर्सन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रखते जाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शुरू में क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति की आयु अपने बेटे से 4 गुनी है, तो हम क्या करेंगे, बेटे की आयु मान लेंगे, बेटे की आयु एक्स मान लेंगे, ठीक है। और जो पिता की आयु है यानी कि व्यक्ति की आयु, वो बेटे से 4 गुनी है, तो यहाँ पर व्यक्ति की आयु मान लेंगे 4x, 4 गुनी होगी। तो 20 वर्ष के बाद उनकी आयु, तो 20 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु की बात कर रहा है, तो 20 हम बेटे में भी जोड़ देंगे और इस व्यक्ति में भी जोड़ देंगे, दोनों के अंदर 20 20 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसने दिया गया है कि 20 वर्ष के बाद उनकी आयु अपने बेटे से केवल दुगनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने पहले भी पिछले पेपर में आपको बताया था कि किससे दुगनी हो जाएगी, उनकी आयु बेटे से दुगनी हो जाएगी। तो कई बार आप लोग क्या कर देते हो कि आप व्यक्ति की आयु में से रख देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सिंपल सी एक बात ध्यान रखनी है, जिसकी भी दुगनी बोला है उसी को 2 से गुना करना है, यानी कि यहाँ पर बेटे से दुगनी है ना, तो हमें बेटे से ही गुना कर देना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 20 है ना, इसके गुना में कर देंगे 2 और बराबर में रख देंगे व्यक्ति की आयु, 4x+20, ठीक है। और इसको हल कर लेंगे, देखिए अब तो आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। एक्स को 2 से गुना करेंगे तो 2x आ जाएगा और 20 दूनी 40 हो जाएगा, बराबर में 4x+20, ये एज इट एज रहेगा। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्स एक्स एक तरफ कर लेना है और संख्या संख्या एक तरफ कर लेनी है, तो 4x इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 2x-4x हो जाएगा, और ये 40 जो प्लस का था ये इस तरफ आते वक्त माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4x में से 2 गया 2x आ गया और 40 में से 20 गया 20 आ गया, तो x बराबर हम करेंगे तो 20/2 नीचे चला जाएगा और यहाँ पर हमें जो x प्राप्त होगा वो 10 वर्ष प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो x हमने किसकी उम्र मानी थी, देखिए ऊपर x हमने मानी थी बेटे की आयु, तो x यहाँ बेटे की आयु थी, तो ये x जो आयु आई है 10 वर्ष, ये बेटे की आयु आई है, ठीक है। और यहाँ पर इसने पूछी क्या है, उसने पूछा है कि उनकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि इसने उन दोनों की आयु पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम व्यक्ति की भी निकाल लेंगे, व्यक्ति की आयु बेटी की आयु से 4 गुनी थी, तो हम क्या कर देंगे, जो 10 आया है बेटी की आयु, इससे व्यक्ति की आयु यानी कि इसको गुना कर देंगे 4 से, 10 गुना 4 तो 40 वर्ष हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है ए के अंदर, ये रहा 10 वर्ष बेटी की और 40 वर्ष व्यक्ति की आयु, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सबसे पहले जो माइनस माइनस वाले हैं इन्हें जोड़ देना है, उसके बाद आपको जो जोड़ करने पर संख्या प्राप्त होगी उस संख्या को इस पहली वाली संख्या में से घटा देना है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा डी, यानी कि 0.0187 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि 285। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93, इसका भी राइट आंसर है सी, यानी कि 7500 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि 30 दिन इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, दो स्टेशन ए तथा बी सीधी रेखा पर 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और इसके बाद है कि एक ट्रेन ए से 7 AM को आरंभ होती है और बी की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे को आरंभ होती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ती है, तो दोनों किस समय पर मिलेंगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से करना है। देखिए ये रहा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखिए जो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी है वो 110 किलोमीटर दिखाई गई है, ठीक है। और जो ए से ट्रेन चलती है देखिए वो 7 बजे चलती है, तो हम यहाँ ए पर रख देंगे 7 AM, ठीक है, 7 बजे चलती है, और बी की ओर से यह 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, यानी कि जो ए ट्रेन है ये 7 बजे बी की ओर जा रही है 20 किलोमीटर की रफ्तार से, तो हम यहाँ पर इसकी रफ्तार रख देंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और दूसरी ट्रेन बी से, यानी कि दूसरी हम यहाँ से मान लेंगे, यहाँ पर बी रख देंगे, बी से 8 बजे ये जा रही है, 8 बजे ये 7 बजे जा रही थी और ये जा रही है 8 बजे, ठीक है, आरंभ होती है और ए की ओर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ती है, यानी कि ये इस तरफ आ रही है, इसी यानी कि ए की तरफ आ रही है
25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमें बताना है कि दोनों किस समय पर मिलेंगी। तो देखिए हमें क्या करना है, जब जो ट्रेन ए है ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो 1 घंटे में यह कितनी दूरी तय कर लेगी, 20 किलोमीटर, क्योंकि ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे में तय कर रही है। ठीक है, तो 1 घंटे में ये 20 किलोमीटर तय कर लेगी। तो जब ये यहाँ से ये 20 किलोमीटर तय कर लेगी, यहाँ पर आ जाएगी 1 घंटे में, तो यहाँ पर 8 बज जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने बजेंगे, 8 बजेंगे, जो ये लाल किया हुआ है मैंने, 8 बजे तक ये 20 किलोमीटर तय कर लेगी। तो 110 में से क्या करेंगे हम, 20 घटा देंगे, हमारे पास 90 किलोमीटर बच जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसे सोल्व करना आसान हो जाएगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर भी 8 बजे हो गया और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भी 8 बजे हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो दूरी बची है 90 किलोमीटर, इसके नीचे हमें ये इनकी जो रफ्तार है वो रख देनी है। पहली वाली की रफ्तार 20 किलोमीटर, दूसरी वाली की 25 किलोमीटर, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 20 और 25 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, 90 बटे 45 हो जाएगा। तो 90 को 45 से काटेंगे तो 45 दूनी 90, 2 पे कट जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे के बाद ये एक दूसरे से मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर चल कितने बजे रही थी, ये 8 बजे चल रही थी, हमने इसका भी 8 बजे कर लिया था और इसका भी 8 बजे कर लिया था। तो 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 और 2 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 दिया गया है बी के अंदर, ये रहा, 10 AM पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसे ये आपको हल करना है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पर देखिए दिया गया है 25 बटे में 0.005। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, तो देखिए 25 बटे में 0.005 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 25 बटे में 1 हो जाएगा, और जो 0.005 था इसके बटे में 1000 हो जाएगा, क्योंकि जब हम पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद जितनी संख्याएं होती हैं वो जीरो हम नीचे लगा देते हैं। ठीक है, तो और जिस संख्या के नीचे कोई भी बटे में नहीं होता उसके नीचे 1 हमेशा बटे में रहता ही है। ठीक है, ये तो सभी को पता होगा। तो 25 बटे 1 ही हो जाएगा, इसके बटे में 0.005 बटे में 1000 हो जाएगा पॉइंट हटाने पर। ठीक है, तो जब इन्हें हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 बटे में 1, तो 1 की तो कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये 5 है ये एज इट एज रख देंगे। तो जो ये सामने 0 होते हैं इन्हें रखने की जरूरत नहीं होती है, पीछे होते हैं तो हम रखते हैं, फिलहाल पीछे नहीं है सामने है इसलिए इन्हें हटा ही देंगे। तो 5 और ये जो 1000 है जो हमने पॉइंट के रखे थे ये ऊपर चले जाएंगे, इसके बाद हम इन्हें काट लेंगे, 5 5 25 पे कट जाएगा, और 1000 को 5 से गुना करेंगे तो 5000 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है बी के अंदर, ये रहा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97। एक व्यक्ति ए शहर से बी शहर की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तथा वापस बी से ए तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, औसत चाल को ज्ञात करने के लिए एक सूत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस सूत्र के द्वारा ये सॉल्व किया जाता है। तो इसका सूत्र है 2 गुणा में किलोमीटर प्रथम और गुणा में किलोमीटर द्वितीय, और इसके बटे में किलोमीटर प्रथम प्लस में किलोमीटर द्वितीय। ठीक है, तो देखिए, तो किलोमीटर पहला है वो 30 किलोमीटर हो गया, और किलोमीटर जो दूसरा है वो 20 किलोमीटर हो गया। तो दो सूत्र में ही है, 2 गुणा में 30 गुणा में 20 हो जाएगा, और नीचे 30 प्लस में 20 हो जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा में 30 गुणा में 20 बटे में 30 और 20 50 हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 हो जाएगा, और 5 6 30 हो जाएगा, तो 2 6 12 और 12 2 24। तो देखिए ये 24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है ए के अंदर, ये है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, यहाँ ऊपर दिया गया है, ये रहा, 5 संख्याएं गुणोत्तर श्रेणी में इस तरह की, उनका जो गुणनफल है वह 32 आता है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर इसने दिया है कि 5 समांतर गुणोत्तर श्रेणी में संख्याएं हैं और उनका जो गुणनफल है ना वो 32 आता है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन उठाकर आसानी से हल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके इन सभी ऑप्शनों को उठा लेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको 2 उठा के दिखा देता हूँ, देखिए ये क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, आपको किस प्रकार से करना है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, ये 2 ऑप्शन उठा लेना है, ये 2 वाला, और यहाँ पर 5 समांतर गुणोत्तर श्रेणी में है ना, तो हमें क्या कर देना है, 5 बारी से गुणा कर देना है। देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो जब हम इन सभी को आपस में गुणा करेंगे तो हमें यहाँ 32 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर है गुणनफल 32 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम हमारे पास कोई हम और ऑप्शन उठाते तो हमारा जो गुणनफल है वह 32 नहीं आता, तो वो हमारा रॉन्ग आंसर होता। तो जैसे ही हम 2 को उठाएंगे हमारा 32 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दिया गया प्रश्न में, तो समझिए वो हमारा राइट आंसर है।
यानी कि वो राइट ऑप्शन है, ठीक है, तो दो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 4 इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100। निम्न में से कौन सा भिन्न 7/8 से छोटा है तथा 1/3 से बड़ा है, तो वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको किस प्रकार से हल करना है मैं आपको बता दूं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए मैं दिखा देता हूं आपको क्या करना है। जो 7/8 है, इस 7 के सामने आपको 0 अपनी ओर से 2 रख देने हैं, 2 जीरो अपनी ओर से लगा देने हैं। इसी प्रकार से जो 1/3 है, तो 1 के आगे 2 जीरो अपनी ओर से लगा देने हैं और इनको भाग देना है। तो 7 का 700 बन जाएगा, इसे 8 से भाग देंगे तो 87 पॉइंट कुछ आएगा, तो पॉइंट हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम 87 ही रख लेंगे। और इसी प्रकार से 100 को 3 से भाग देंगे तो 33 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो पॉइंट वाला हमें रखने की जरूरत नहीं है, हम 33 ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ स्पष्ट रूप से प्राप्त हो गया है कि 33 और 87 के बीच में जो संख्या है, हमें वो संख्या लेनी है इनमें से। तो सेम प्रोसेस हम बिल्कुल ऐसा इनके अंदर भी करेंगे, यानी कि 1/4 कर देंगे यहाँ पर और 1 के आगे 2 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 23/24 कर देंगे यहाँ पर, 23 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे। इसी प्रकार से 11/12 करके 11 के पीछे 2 जीरो और 17/24 करके 17 के पीछे 2 जीरो, ठीक है। और इनको भाग दे देंगे, 100 को 4 से देंगे तो 25 पॉइंट कुछ आएगा, 2300 को 24 से देंगे तो 95 पॉइंट कुछ आएगा, 1100 को 12 से भाग देंगे 91 और 1700 को 24 से भाग देंगे तो ये 70 कुछ आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने पूछा था कि 7/8 से छोटा होना चाहिए तथा 1/3 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर जो हमने निकाला था ये 33 और 87 इनके बीच की संख्या होनी चाहिए, यानी कि 33 से बड़ी और 87 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 25 33 से छोटा हो गया, 95 87 से बड़ा हो गया और 91 87 से बड़ा हो गया, लेकिन 70 है ये 33 से बड़ा है और 87 से छोटा है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 17/24 भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों हरियाणा पटवारी का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो 15/4/2016 को हुआ था। इससे अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा पटवारी का ही पेपर 15/4/2016 को जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था। अगर आप मेरी वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आप आसानी से देख सकें। मुझे ऐसा है कि दोस्तों मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप अपने क्वेश्चनों के जवाब हमें कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं।